वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएस में जाकर के जीत हासिल की और सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। बचा हुआ मैच है डेड रबर का, जो आज खेला जाना है फ्लोरिडा के उसी मैदान पर जहां भारत ने जीत हासिल की है। लेकिन अब सवाल यह है कि अंतिम दो टी20 मुकाबलों में जैसा हमने देखा कि प्रयोग हुआ, चौथे मैच में 3 बदलाव किए गए, क्या पांचवें मैच में बदलाव होगा और क्या ईशान किशन को अब पांचवें मैच में सूर्य कुमार यादव को रेस्ट देकर के या रोहित शर्मा खुद रेस्ट लेकर के इनको मौका देने जा रहे हैं? चूंकि अभी तक देखा जाए तो वेस्टइंडीज के दौरे पर ईशान को एक भी मौका नहीं मिला है, ना ओडीआई में ना टी20 मैचेस में। तो क्या ईशान को भी प्रैक्टिस के लिहाज से खिलाया जाएगा? क्योंकि टीम मैनेजमेंट अपने उस स्कीम ऑफ थिंग्स में तो नजर नहीं आ रहे हैं ईशान किशन, लेकिन अगर प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं ईशान किशन को तो हो सकता है कि मौका दिया जा सकता है। क्योंकि संजू सैमसन को मौका दिया गया, संजू सैमसन ने अपनी जो पारी छोटी ही खेली, लेकिन उस पारी से कहीं ना कहीं दिखाया कि उनको अगर लगातार मौके मिलते रहे तो वो परफॉर्मेंस करेंगे। अय्यर को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो ऐसे में क्या ईशान को भी टीम के अंदर लाया जाएगा? क्योंकि वो भी अगर आकर के परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस उनका लगातार बना रहेगा और कौन जाने आगे चलकर कि आपको वर्ल्ड कप से ठीक पहले कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जहां पर कि अचानक से आपको टीम में शामिल करना पड़े ईशान किशन को, तो ईशान किशन कम से कम टच में नजर आए। क्योंकि फॉर्म में तो ईशान किशन थे, फॉर्म के बदौलत तो टीम से बाहर गए नहीं है, यानी कि फॉर्म अच्छा चल रहा था उसके बावजूद टीम से बाहर उनको किया गया है। तो अभी कम से कम एक मैच बचा हुआ है आज का, और अगर उनको मौका दिया जाता है तो ईशान किशन भी अपने आप को फिर से एक बार दोबारा से प्रूव करने जाएंगे। क्योंकि प्रूव करने की जरूरत है नहीं, लेकिन चूंकि टीम उनको खिला नहीं रही है तो एक बार फिर से वो साबित करेंगे कि मुझे जब जब मौका मिल रहा है मैं रन बना रहा हूं, तो हो सकता है कि उनको मौका मिलता हुआ नजर आ जाए। रवि बिश्नोई आए, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, तो जो परिवर्तन हुए हैं वो बड़े अच्छे हुए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ कितना ही आप आंक लेंगे, लेकिन फिर भी संजू सैमसन को अगर मौका मिला हुआ है तो ईशान किशन को भी अंतिम मैच में, आज के मैच में अगर मौका मिलता है तो वो भी एक बार फिर से अपना पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ईशान किशन को आखिरी मैच में, जो कि डेड रबर ऑलरेडी भारत के लिए कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है इस मैच का, वहां पर मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, किस किस और खिलाड़ी को आप देख रहे हैं कि प्लेइंग 11 में मौका दिया जाना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।